हमारी अगली कवयित्री परमजीत जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। परमजीत जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार जी, आ रही है क्या? आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं परमजीत जी? जी जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? जी आपका शायद जी आपका शायद ईयरफोन का कॉर्ड निकल गया है फोन से, देखिए एक बार चेक नहीं नहीं कीजिए। दबा हुआ है, लैपटॉप सही कर रही हूँ। अब आ रही है? अनुराधा जी आप स्वर आ रहे हैं क्या मेरी नहीं तरफ? मुझे सुनाई नहीं दे रही है ठीक से आवाज इनकी। नहीं आवाज नहीं आ रही है मैम जी, अभी आवाज नहीं आ रही क्या? हम आ अपना रही नहीं, देखो बहुत ही मोबाइल, मुश्किल में आ रही है। हाँ मोबाइल जहाँ ईयरफोन कनेक्ट किया ना उसको फिर से एक बार टाइट कीजिए, जो आपका कॉर्ड है ना वहां से लूज हो गया है शायद। ईयरफोन का कॉर्ड फिर से प्लग इन कीजिए। अब परफेक्ट आ रही है? हाँ जी जी अब आ रही है? जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरू किया जी मैम, तो सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर परमजीत ओबराय पिछले 30 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हूँ, और कविताएं जहाँ तक लिखने का सवाल है, मुझे सबसे अधिक प्रेरणा अपने गुरुजन डॉक्टर हरीश नवल, जो हिंदू कॉलेज दिल्ली अब वो रिटायर हो चुकी आपकी आवाज फिर चली गई मैम। हैं। मैं दूसरा वाला कोड लगाती हूँ, 1 मिनट, दूसरा वाला कोड, 1 मिनट। हाँ जी अनुराधा जी, एक छोटा सा मुक्तक हो जाए। आप बहुत अच्छा मुक्तक लिखती भी हैं, बोलती भी हैं। जब तक तो परमजीत जी आती हैं कुछ सुना दीजिए। एक गीता एक बंद रखती हूँ, जब तक परमजीत जी आती हैं तब तक मैं सुनाती हूँ आपको। जी बिल्कुल स्वागत है। फफूली कोटि पढ़ते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफूली कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, प्रलय से प्रलय दम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से दम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। आइए मैम स्वागत है आपका, काव्य पाठ मैम कीजिए। आप सुनाई दे रहे हैं? आप सुनाई हाँ दे जी रहे हाँ हैं? जी ठीक है जी। तो मैं अपनी कविताओं के सिलसिले के बारे में बीच बीच में शायद कुछ बात कहूंगी, तो आप शायद उसको सुनकर मुझे सहमति देंगे। तो मैं पहली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैम एक अनुरोध है, आपका कैमरा ऑफ है, यदि आप कैमरा ऑन कर लें। यस मैम, जी तो मैं अपनी पहली धन्यवाद। कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्दों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम चाहे कविता लिखें, कोई भी लेख लिखें, निबंध लिखें, कुछ भी चीज, उसके लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे मन में ये ध्यान आया कि शब्दों को भी आमंत्रित कर लिया जाए। शब्दों आओ, कल्पनाएं बिखरी हुई हैं। शब्दों आओ, कल्पनाएं बिखरी हुई हैं। विचार राह देखते हैं, बुद्धि चलने लगती है। कलम भी हाथ में आने को आतुर है, पृष्ठ भी खाली हैं, जैसे सजे हैं तुम्हारे लिए। शब्दों आओ, भावनाएं अंतर मन में हिलोरे ले रही हैं। कहीं ज्वालामुखी की तरह वे भीतरी गुफा में धधक ना उठे, कहीं तुम जल ना जाओ इसी शीत शांत वातावरण में। तुम आओ, मेरे विचारों को सजाओ। भाव व विचार आश्रित हैं तुम पर, तुम आ इन्हें समेटो सबके सम्मुख पृष्ठ पर उतर कर। मैं तुम्हारा आकार हाथ से बनाऊंगी, तुम कितने महान हो सब समझ गए हैं। शब्दों में गहराई है,
विचारों की। विचारों को यदि तुम था न दो अपने आंगन में, तो विचार खड़ा हो दस्तक देता रहेगा तुम्हारे द्वार पर। इसलिए तुम आओ विचारों, कल्पनाओं और भावों को अपना रूप वाला आभूषण पहनाओ। तब ना हो ये सब तो व्यर्थ है, तुम हो तभी तो इन सभी कविताओं का लेखन का सही अर्थ है। धन्यवाद। ये मेरी पहली प्रस्तुति थी, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। सो आप जानते हैं कि इस जगत में सब लोग कुर्सी का खेल सभी जानते हैं, चाहे वह कुर्सी घर की रिवॉल्विंग चेयर हो, स्कूल की हो, किसी भी ऑफिस की हो। तो ना जाने एक दिन मेरे विचार में ये आया कि कुर्सी का खेल बहुत अद्भुत है इस दुनिया में, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों स्तर पर भी माना जाता है। तो प्रस्तुत है मेरी दूसरी कविता कुर्सी। तो मुझे आशा है सब लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं तो थोड़े संभल कर बैठेंगे, मीन्स अपने मतलब कर्तव्यों, निष्ठाओं, विश्वास आदि को ध्यान में रखकर। कुर्सी पर बैठते ही या कुर्सी मिलने पर, कुर्सी पर बैठते ही या कुर्सी मिलने पर ईमान बेच देते हैं लोग, ये सच है। प्रतिष्ठा खो देते हैं लोग, ये सच है। आज तक पढ़ते सुनते आए थे, आज स्वयं देखा है इस खोखले आवरण को। भीतर मकड़ी के जाले की तरह फैलता जा रहा है जहरीला ईर्ष्या या द्वेष का विष। इसका पान कौन करेगा या नष्ट करेगा उसे नरसिंह अवतार की तरह। प्रतिष्ठित की पहचान है प्रतिष्ठा बनाए रखने में, ना कि कुर्सी की आड़ में गोरख धंधा करते हुए। जिन पर कृतज्ञता जमी आ रही है डिस्टेंपर की तरह, जिसके पीछे से पुराना डिस्टेंपर अपनी प्रतिष्ठा लिए दिखता है जब तक उसे खरोचा ना जाए। कुर्सी का झगड़ा होता आया है इस कलयुग में, तभी से सही व्यक्ति को कभी कुर्सी नहीं मिली। सहमत है श्रोतागण, दर्शकगण सहमत है? कुर्सी में फैला है स्वार्थ कैंसर की तरह, जो श्वेता को भी बना देता है रोगी। कुर्सी है सूर्य चंद्र बीच राहु की तरह, कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए। जग है एक नाव जिसमें बैठ तैरना है, झंझावतों को सह दूर जा जीवन नैया को पार लगाना है। जग है इसे खेलना है, जीना है, जी हाँ जीना है इसमें। धन्यवाद जी। तलत परवीन जी आपको बोल रही हैं, उनका मैसेज आया है आपके लिए। बाकी अस्थाना जी, योगेश, योगिता त्यागी जी सब आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं कि उनको आपकी कविताएं बहुत अच्छी लग रही हैं। मैम एक्चुअली में जो मेरी कविताएं हैं, आई थिंक उनकी कविता का दूसरों की कविताओं का शायद स्तर थोड़ा अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं। ये कभी कवित्री की भावनाओं या कुछ स्थानीय विशेषताओं के कारण आप जान लेंगे। तो मतलब मेरा ये सोचना है कि जो भी मैं लाइवली देखती हूँ संसार में, जगत में, जो मेरे मन में आ रहा है, मैं उसी समय उसे शॉर्टहैंड में लिख लेती हूँ, अपने पास कीवर्ड्स लिख लेती हूँ, फिर रात को उसको लिखकर टाइप कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि देश में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह भी होती हैं, चाहे वो धर्म के आड़ में हो या राजनीतिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर। तो उन चीजों को देखते हुए मैंने कविता लिखी नरसंहार। वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा नरसंहार, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा नरसंहार। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बनने को बैठा है तैयार। नरसंहार के बाद लगे लाशों के ढेर, देखा ना जिन्हें किसी ने आकर, होने लगी सवेर। रक्त से हुए बर्बाद कई घर बार, मिट्टी भी चुप थी पर अब करने लगी है पुकार। क्या कह रही है माँ हमें, हे मानव तू पुत्र है मेरा, फिर क्यों कर रहा मुझ पर इतना अत्याचार। खून बहा पहन रहा तू खूब जीत का हार, कितनों की गोद सूनी कर, कितनों के सिंदूर मिटा, कितनों के भाई बहन ले, कितना किया तूने अत्याचार। इसका नहीं तुझे एहसास, खून धरा पर पड़ा सूख गया, देख ना आई तुझे कोई दया। सोच ले रहा है तू अब उन सब की बद दुआ, जिनका खुशियों का आंगन सूना तू।
तूने कर दिया। भर रहे मन में तेरे क्यों कुविचार, दया व परोपकार का गहना है तेरा। पहन ले पहन इन्हें तू जीवन अपना सुधार, औरों की जीवन की जब ना छीनेगा तू बहार, तभी तो खत्म होगा ये संहार। सुकर्मों को संचित कर, अरे मनुष्य कर ले अपना भविष्य में अपना कुछ सुधार। धन्यवाद। तो कभी कभी ऐसा समाज में होता है कि हम मनुष्य एक दूसरों को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम मनुष्य अपने मन को भी प्रभावित कर सकती है, ये कहकर मन मस्तिष्क के ऊपर कविता लिखी है, देख मानव। मैम आपको आवाज आ रही है ठीक? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है डिस्टरबेंस आ ऐसे। रही है मैम, कुछ नहीं, वो डिस्टरबेंस आ आपकी रही तरफ है से आ रही है बैकग्राउंड जी। से मैम। पढ़ो आप, पढ़ो। जी अभी ठीक है, देखिए अभी ठीक है, आवाज आ रही है। चल ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम अभी। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को मैम। या अब आ रही है। हाँ हाँ जी देख मानव, तो मानव को सतर्क करते हुए अपने जगत के प्राणियों को इस ओर ध्यान दिलाते हुए मैंने ये कविता लिखी, जिसका उत्तर आपको कविता में मिलेगा। देख मानव, देख मानव, मन मस्तिष्क बूढ़े हो गए। देख मानव, मन मस्तिष्क बूढ़े हो गए, अवस्था इनकी चरमराए। सदा लगता तू इन्हें सोच में, दया ना इन पर आए। शरीर तो बूढ़ा होता दिखता, पर मन मस्तिष्क की अवस्था का ध्यान तुझे ना आए। जब लड़ेगा अनगिनत चिंताएं, जब लड़ेगा अनगिनत चिंताएं, रोगी होंगे तब ये, तब तू है घबराए। मन रूपी लगाम को खोचे खींचेगा यदि तेज, इच्छाओं का महल ना कहीं ढह जाए। यात्री आत्मा कहीं शरीर रूपी रथ से उतर कर चली ना जाए। बुद्धि सारथी है, बुद्धि सारथी है शरीर रथ की, काम तू इसका सदा क्यों बढ़ाए। अध्ययन चिंतन में तू लगा रहे, अध्ययन चिंतन में तू लगा रहे, लग तो सदा क्रंदन उसका, पता नहीं क्यों ना सुन पाए, पता नहीं क्यों ना सुन पाए। धन्यवाद। जी ये मैम मन आवाज आ रही है? मस्तिष्क मैम का ध्वंस तो हमेशा लगा रहता है, ये जी, यही है कि बहुत मनुष्य सुंदर मैम भाषा आपने बांधी है मैम। एज वाइज बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने मन को, अपने गाना सुनोगा दिल तो बच्चा है जी, कहने को ठीक है, लेकिन हमें कुछ निर्णय अपनी अवस्था के अनुसार भी ध्यान में रख के लेने चाहिए कि परमात्मा का नाम हमें अपने दिलो दिमाग से निकालना नहीं चाहिए, जो मेरी सोच है। सो एक बार मैं अगली अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, उससे संबंधित मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। स्वीकृति, जी स्वीकृति आप हाँ जी, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट जी में मैम आपकी डिस्क्रिप्शन दीजिए जी। जी, क्योंकि मैं इसलिए इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग पंच कर रहे थे स्कूल में, तो मुझे एक टीचर ने बोला कि हमें मुट्ठी भर नहीं चाहिए, ये मैं टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा, आप उसके ऊपर कविता लिखिए। मैंने कहा सर इतनी जल्दी तो लिखना बहुत मुश्किल होगा, बट मैं ट्राई करूंगी। तो मैंने सोच कर, ताकि नकारात्मक ना आए, सकारात्मकता की ओर लेकर के मैंने कविता लिखी। मुट्ठी भर नहीं चाहिए मुझे, मुट्ठी भर नहीं चाहिए, अंबर नहीं अंबर सा अंबर चाहिए मुझे, मुट्ठी भर नहीं चाहिए अंबर नहीं अंबर सा अंबर चाहिए, क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए। दृष्टि नहीं दिव्य दृष्टि चाहिए, दृष्टि नहीं दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु नहीं मोक्ष चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं मोक्ष चाहिए, क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए। मुझे अपना नहीं सर्व सुख चाहिए, मुझे अपना नहीं सर्व सुख चाहिए, क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए। मुझे दिया नहीं सूर्य प्रकाश चाहिए, मुझे सामान या सम्मान नहीं प्रभु,
आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं निर्मल सोच चाहिए, मुझे दिखावा नहीं निर्मल सोच चाहिए क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए, मुझे केवल मानव नहीं मानवता चाहिए, मुझे केवल मानव नहीं मानवता चाहिए क्योंकि मुझे मुट्ठी भर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सपने नहीं साक्षात सफलता चाहिए, मुझे सपने नहीं साक्षात सफलता चाहिए क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए। हाँ अगर मुझे मुट्ठी भर चाहिए तो केवल देने के लिए, केवल देने के लिए, केवल अपनी मुट्ठी भरने के लिए नहीं, मुझे मुट्ठी भर बंद खुली नहीं चाहिए, मुझे बंधन नहीं स्वतंत्रता चाहिए, मुझे बार बार जग में आना नहीं प्रभु आपके चरणों में निवास चाहिए क्योंकि मुझे मुट्ठी भर नहीं चाहिए आपकी असीम शरण चाहिए, आपकी असीम शरण चाहिए। धन्यवाद। मेरी अगली प्रस्तुति है, आप जानते हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है और पूरे देश विदेश में भी कितने लोग इसके वजह से जूझ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं बूढ़े हैं, हर प्रकार का प्राणी जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। तो जब देश में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सब लोग अपने घर में रहें और फिर भी कुछ लोगों ने कहना नहीं मांगा, बहुत लोगों की वजह से बीमारी फैलती रही, उस समय पर प्रस्तुत है मेरी कविता मुखिया। मैम सुनाई दे रहे हैं? मैम आवाज आ रही है? ओके बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तभी याचना करते जब होते परेशान, मुखिया मुखिया तभी याचना करते जब होते परेशान, देख कर ना जाने जी, जी नहीं रहे जी, कहता उनका मान। हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, ठीक है मैम। नहीं है इसमें केवल उनकी भलाई, वे चाहते हैं उनके आंगन की ना रहे कोई कली मुरझाई, हाथ जोड़ कर रहे वे निवेदन, हाथ जोड़ कर रहे वे निवेदन, जाने कैसे हैं वे लोग जिनके हृदय व दिमाग में है ना कोई स्पंदन, उनका विनम्र होना दीन न समझा जाए, उनका या किसी भी बड़े का विनम्र होना दीन न समझा जाए, ना जाने किस गुमान में है सब, ना जाने किस गुमान में है सब, बात समझ ना पाए घर रहकर संतुष्टि ही पाए, ना जाए घर से दूर बाहर कोई भयावे आहट ना सता जाए, शायद ज्यादा सामाजिक होना, शायद ज्यादा सामाजिक होना पड़ रहा है आज भारी, क्योंकि दुनिया पूरी सिमटने लगी है अपने अपने घरों में सारी, घर रहकर शुभ विचारों का करे ध्यान, घर रहकर शुभ विचारों का करे ध्यान, बीमारी से दूर रहकर करें अपना परिवार देश का ही नहीं अपितु विश्व का भी उद्धार सम्मान व कल्याण। धन्यवाद। इसी पर आधारित एक कविता मैंने और लिखी उन दिनों में, जिसका शीर्षक है मनुष्य। अब तक था मनुष्य अन्य का दुश्मन, अब तक था मनुष्य अन्य का दुश्मन, हैरान कर दिया उसने लगा करने अपने पर ही स्तंभ, स्वयं की रक्षा हेतु ना घर बैठ पाए, स्वयं की रक्षा हेतु ना घर बैठ पाए, बाहर जाकर ना उसे साथ अपने ले आए, सतर्क करने पर भी ना करे अपना ध्यान, जाने क्यों बन रहा वे स्वयं से ही अनजान, बाहर दंड दंभ है, बाहर दंड दंभ है, क्या मनुज ना तुझे ये खबर है, बार बार तुझे तेरे स्वयं हेतु समझाते, तिरस्कृत कर उन हिदायतों को हसीयो तुम उनकी उड़ाते, अपनी रक्षा ना कर पाए किंतु अन्य में है क्यों फैलाए, यह कोरोना वायरस है क्यों ना तुझे समझ आए, अपनी मत को जानबूझकर है मूड क्यों बनाए, घर बैठ अपनों संग समय ना बिता पाए, दिखाते हैं ये कर्म, दिखाते हैं ये कर्म तेरे संस्कार, संस्कार तो ठीक थे, संस्कार तो ठीक थे, पर किया तूने इन पर अपनी मनमत का वार, देख संसार के आंसू यू उमड़ कर अभी सड़क पर, ना जाने क्या हादसा हो, जरा सा डर असर है तुझ पर,
आधुनिक मानव होकर भी, आधुनिक मानव होकर भी हो रहा पथ भ्रष्ट, अन्य को तो क्या होगा, संग में होंगे तुझे ही कष्ट। ईश की इस परीक्षा को होगा करना तुझे स्वीकार, अच्छे अंक आएंगे जब तू करेगा रख अपना ध्यान। कितने चिकित्सक कर रहे हाथ जोड़कर ये आह्वान, मानव तू घर रहकर कर स्वयं पर इतना एहसान, मानव तू घर रहकर कर स्वयं पर इतना तू एहसान। धन्यवाद। तो बहुत इसी सुंदर परमजीत जी। मैम, इसी के संदर्भ में एक इसी विषय से रिलेटेड एक अंतिम कविता है, फिर मैं दूसरा विषय लूंगी। करोना क्यों? विज्ञान जी बिल्कुल। गर वरदान है तो शाप भी है साथ, विज्ञान गर वरदान है तो शाप भी है साथ। देख समझ ना आया मानव तुझे अपने समक्ष साक्षात, पूरे विश्व पर करना चाहा जिसने अपना अधिकार। न जानता था कि करना पड़ेगा उसे स्वयं ही भविष्य में उससे भयावह सरोकार। मानव ने जब भी आगे बढ़ दंभ को अपनाया, मानव ने जब भी आगे बढ़ दंभ को अपनाया, स्वयं ईश ने उसे उत्तर दिया, स्वयं ईश ने उसे उत्तर दिया जिसे बेचारा मानव समझ ना शायद पाया। संसार रूपी कुटुंब है, संसार रूपी कुटुंब है भगवान ने रचाया। कुछ के कियों के पाप दंड सब पा रहे, गर उनके समक्ष टेक घुटने स्वीकारे अपना पतित व्यवहार। दया के सागर दीनों के बंधु माधव जब होंगे आपके साथ, तभी निकलेगी फंसी ये नैया वायरस की संसार रूपी सागर से पार। कुछ की उपेक्षा से सबकी आंखों में आंसू क्यों, कुछ की उपेक्षा से सबकी आंखों में आंसू क्यों, जाना तो है ही एक दिन, फिर कोरोना वायरस से बने कारण क्यों। जाना है एक दिन सभी को, फिर वायरस कोरोना ही बने कारण क्यों। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में जब भी वो सुबह उठता है तो आईना देखता है, आईना देखता है। मैम थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। यस, अब ठीक है। मैम आपको सुनाई दे रही है? जी आपको मैम, सुनाई दे आपकी रही है? आवाज आ रही है, साफ आ रही है। ठीक है मैम। सुबह सभी लोग उठकर आईना देखते हैं। सब लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, आईना देखते हैं तैयार होने के लिए। उसी पर आधारित मैंने एक कविता लिखी है। आईना वही है, चेहरे बदल गए। आईना तो वही है, आप भी देखते हैं अपने घर में, मैं भी देखती हूँ, और भी सब लोग देखते हैं। आईना वही है, चेहरे बदल गए, पुराने चेहरे लगे दिखने अब नए नए। भावनाएं डूब गई अब अंतर गुहा में, भावनाएं डूब गई अब अंतर गुहा में, दिखावा हो गया प्रधान आज के इस जहान में। रिश्ते वही व्यवहार बदल गए, रिश्ते वही व्यवहार बदल गए, धरती वही लोग बदल गए, आत्मा है वही शरीर बदल गए। हेर फेर के इस प्रांगण में जानते हैं क्या हुआ, सब लोगों के हृदय ही बदल गए। भगवान है तुझमें ना दिया ध्यान तूने, भगवान है तुझमें ना दिया ध्यान तूने, आकर रहकर इस शरीर घट में बिना आदर पाए चले गए। बाद में पछताने से क्या होगा, शरीर तो अब मिट्टी में मिल गए, शरीर तो अब मिट्टी में मिल गए। धन्यवाद। तो हर व्यक्ति के जीवन में विचारों में कभी कभी कुछ सुविचार होते हैं, कुछ कुविचार भी होते हैं। तो एक बार कुविचार और सुविचारों की मस्तिष्क में कुछ बातचीत हुई, जिसको मैंने कविता के इन शब्दों में बांधा। शीर्षक है सु और कुविचार। सु और कुविचार, शुद्ध स्वच्छ निर्मल पवित्र, शुद्ध स्वच्छ निर्मल पवित्र विचारों ने मस्तिष्क दर खटखटाया। शुद्ध स्वच्छ निर्मल पवित्र विचारों ने मस्तिष्क दर खटखटाया। सुना उसने पर अनसुनी का बहाना बनाया, सुना उसने पर अनसुनी का बहाना बनाया। कुविचार शोषक ने आक्रमण किया, कुविचार शोषक ने आक्रमण किया, पर देख
वह हो गया प्रसन्न, शुभ विचार थे क्योंकि वहां बहुत कम, जो थे वो सोए हुए, जो थे वो सोए हुए, नहीं थी जिनमें सुध, अपने में ही थे खोए हुए। बहुत आराम से राज किया, बहुत आराम से राज किया, किसी ने उसे न छेड़ा न तंग किया। एक दिन सुविचार अतिथि बन आया वहां, कुविचार के घर में। एक बार सुविचार अतिथि बन आया वहां, सोए उसने अपने बंधुओं को जगाया, उन्हें देख जागृत कुविचार शासक था घबराया। मस्तिष्क की खिड़की खुलने दो, मस्तिष्क की खिड़की खुलने दो, शुभ विचारों को आने दो, यदि ऐसा ना किया जाए, यदि ऐसा ना किया जाए तो पता है किस बात की चिंता है, तो क्यों कुविचारों का घुन कहीं हमारे मस्तिष्क में ना लग जाए, कहीं हमारे मस्तिष्क में ना लग जाए। धन्यवाद। मेरी अगली प्रस्तुति है जो एक क्षणिका की तरह से है, महान। आज हर कोई बन रहा महान, आज हर कोई चाह रहा बनना महान, महान बनते नहीं बनाया जाता, जब करते काम महान। अभिमान और शान ये, अभिमान और शान ये दोनों हैं आज मानव के श्रृंगार, इनसे पाप त्राण तभी बन सकेंगे हम महान, तभी बन सकेंगे हम महान। मेरी अगली क्षणिका है जीवन चक्र। जीवन का यह चक्र, जीवन का यह चक्र बनता जा रहा है शायद थोड़ा सा वक्र, नहीं है मन तृप्त, रहने लगा ज्यों विक्षिप्त, करने स्वयं को सुसंस्कृत, करने स्वयं को सुसंस्कृत, बदलने लगे हैं अब चरित्र, मन में है किसका अभिमान, नहीं है पास कोई प्रमाण, समझकर सदा उत्कृष्ट, समझकर सदा उत्कृष्ट, सदा करता रहा तो कार्य निकृष्ट, लोभ मोह अहंकार बढ़ाते रहे सारा भेदभाव, लोभ मोह अहंकार बढ़ाते रहे, मोह अहंकार बढ़ाते रहे सारे भेदभाव, माया ही है एक कारण, माया ही है एक कारण, जो है साधारण होके भी असाधारण, जो है साधारण होकर भी असाधारण। धन्यवाद। मानव के हृदय में, या आप समझ लीजिए कि हम कहते हैं कि अपने आत्मा की शुद्धि कीजिए, उसी पर आधारित है मेरी अगली कविता, देख मानव। देख मानव मन मस्तिष्क बूढ़े हो गए, देख मानव मन मस्तिष्क बूढ़े हो गए, शरीर तो बूढ़ा होता दिखता पर मन मस्तिष्क की अवस्था का ध्यान तुझे ना आए, जब लादेगा अनगिनत चिंताएं रोगी होंगे और तू तभी घबराए, मन रूपी लगाम को खींचेगा यदि तेज, इच्छाओं का तेरा महल ढह जाएगा, काम उसका सदा तू बढ़ाए, क्रंदन उनका ना सुन पाए, क्रंदन उनका ना सुन पाए। धन्यवाद। सुबह होती है, शाम होती है, दिन आते हैं, बीत जाते हैं, रातें आती हैं, उन्हीं पर आधारित प्रस्तुत है अगली रचना, दिन है आते जाते। उखड़ उखड़ से गए सब या मैं थक गई, उखड़ उखड़ से गए थक या मैं थक गई, औपचारिकताएं निभाते निभाते, सुबह शाम यूं बीत रही, दिन है आते जाते। उखड़ उखड़ से गए सब या मैं थक गई, सोचती हूँ औपचारिकताएं निभाते निभाते, सुबह शाम यूं बीत रही, दिन है आते जाते। सभी संबंध बन गए नकली, सभी संबंध बन गए नकली, कागज के फूलों की तरह, जो दूर से दिखते सजे सुंदर शालीन, किंतु जो ना सजा सकते दिल का कालीन, किंतु जो ना सजा सकते दिल का कालीन। जब दुनिया है एक माया, जब दुनिया है एक माया, तो क्यों ढूंढता मन यहाँ छाया, इस दुनिया के क्षण भंगुर सुख अब ना मन को भाए, इस दुनिया के क्षण भंगुर सुख अब ना मन को भाए,
व्यथित लहर सा मन, व्यथित लहर सा मन ढूंढता रहा किनारा, प्रभु द्वार पर ही मिला आज मुझे सहारा, प्रभु द्वार पर ही मिला आज सुहारा। धन्यवाद। बहुत सारे लोग लोगों की ऐसी मतलब अभिलाषा होती है मन में कि मैं और जी लूं, थोड़ा और जी लूं। तो इसके ऊपर मैंने कविता लिखी, धागे सा जीवन। जीवन रूपी धागे को, जीवन रूपी धागे को समय रूपी चूहा कुतरता जा रहा, जीवन रूपी धागे को समय रूपी चूहा कुतरता जा रहा, पर मानव फिर भी ना संभल कुकर्मों के पंख में होता जा रहा। जीवन रूपी धागे को समय रूपी चूहा कुतरता जा रहा, पर मानव फिर भी ना संभल कुकर्मों के पंख में खोता जा रहा। जीवन डोर का स्वामी सब देख रहा, जीवन डोर का स्वामी सब देख रहा, उसकी रची दुनिया में मानव पहचान अपनी क्यों खो रहा। देख सब है चिंतित, देख सब है चिंतित, ध्यान नहीं उसकी ओर किसी का किंचित। देख सब है वह चिंतित, ध्यान नहीं उसकी ओर किसी का किंचित। हर नव वर्ष की मानव खुशी मना रहा, यह न सोचा हर वर्ष है एक वर्ष वह खो रहा। जीवनाडंबरों के बीच रहे अपनी लिप्साओं की तृप्ति हेतु, समय के महत्व को बिल्कुल नहीं समझ रहा। उसने दिए कितने अवसर तुझे समझने के, मैं ईश की ओर संकेत कर रही हूँ, उसने दिए कितने अवसर तुझे समझने के, पर तू उसकी ओर से विमुख हो रहा। याद रख समय बड़ा है बलवान, जिसके लिए है सब समान। सुकर्मों की पूंजी कर तैयार, सुकर्मों की पूंजी कर तैयार, भर सदा हृदय में शुभ विचार, भर सदा हृदय में शुभ विचार। धन्यवाद। आजकल जी आपकी हर कविता में एक संदेश छुपा हुआ है, जो आपकी कविता की खासियत है। हर हर कविता में, हर रचना में आपका एक स्पेशल मैसेज है, एक खास संदेश है। जी मैम, क्योंकि हर संसार में भी, जैसे संसार एक पुस्तक है, वो हमें एक संदेश ही है ईश्वर का, तो उसी से संबंधित मतलब मेरी आधारित है कविताएं। तो सब लोग पैसे के पीछे हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए जीने के लिए, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन पैसे से संबंधित मेरे कुछ विचार इस कविता में आप जान पाएंगे। पैसे के पीछे मनुष्य भाग रहा ऐसे, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहा हो जैसे। पैसे के पीछे मनुष्य भाग रहा ऐसे, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहा हो जैसे। पुकार रहा उसे, आ आ छू ले मुझे, सुन उसकी ललकार, मानव है पाने को उसे बेकरार, मानव है पाने को उसे बेकरार। कराता यद्यपि यही भेदभाव, कराता यद्यपि यही भेदभाव, संबंधों का बन रहा आज यही आधार, संबंधों का बन रहा आज यही आधार। अपने लगने लगे समक्ष सबके पराए, अपने लगने लगे समक्ष सबके पराए, संसार से आगे साथ ना ये दे पाए। माना पैसा जरूरी है, माना पैसा जरूरी है जीवन के लिए, पर सब कुछ नहीं है ये हमारे लिए, पर सब कुछ नहीं है ये हमारे लिए। धन्यवाद। अब कुछ लोग जो दुनिया में हैं, उनका जो भी मैंने क्षण अपने साथ महसूस किया, उसकी एक मुझे अपार तरह की संतुष्टि हुई, जिसे मैं देखकर ये छोटी सी एक क्षणिका लिख पाई। कुछ लोग, मुस्कान है जिनकी स्वच्छ पवित्र ध्वल सी, मुस्कान है जिनकी स्वच्छ पवित्र ध्वल सी, दृढ़ता है जिनमें चट्टान सी महान, दृढ़ता है जिनमें चट्टान सी महान, व्यवहार है जिनका सदैव मृदुल, व्यवहार है जिनका सदैव मृदुल, रहते जो सदैव तटस्थ, जिन पर होता है अभिमान, जिन पर होता है अभिमान, अद्भुत सा चरित्र जिनका ईश्वर प्रदत्त, जिन्हें देख होते आज हतप्रभ, जिन्हें होते देख आज हम सब हतप्रभ। धन्यवाद। मनुष्य के जीवन में उसकी अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था,
उसी के आधार पर अगली मेरी प्रस्तुति है जीवन की अवस्थाएं। जीवन की अवस्थाएं, नव शिशु का हृदय तरुण से बोला, नव शिशु का हृदय तरुण से बोला, मिल सबके साथ बचपन में तू बहुत खेला, अब रहना चाहे क्यों तू अकेला। तरुण हृदय तब बोला, अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाने दे तू, ये स्वभाव है बहुत घिनौना। तरुण हृदय ने वृद्ध हृदय से पूछा, तरुण हृदय ने वृद्ध हृदय से पूछा, है क्यों तू परेशान अकेला, काहे तूने दुखों को झेला। वृद्ध हृदय बोला, मैंने सबको अपना बनाना चाहा, मैंने सबको अपना बनाना चाहा, पर चाहा सबने रहना अकेला। यही है वर्तमान समय में जीवन जीने जीने की बेला, मैं करता रहा मौज अब अकेला, क्योंकि तरुणावस्था में किया मैंने परिश्रम बहुतेरा। जीवन की तीन अवस्थाओं में अपना अपना खेल खेला, पर हर खेल के अंत में पाया मैंने सब समय अपने को अकेला, पाया मैंने सब समय अपने को अकेला। धन्यवाद। मैम आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम, ठीक है। तो मन जो है बहुत चंचल होता है, मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल मानी जाती है, और कई बार हम मन की उड़ान को इतना ऊंचा कर देते हैं, शायद हम अपने विचारों को या सुविचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो प्रस्तुत है अगली रचना, मन की उड़ान। मन चाहे तितली की तरह उड़ू, मन चाहे तितली की तरह उड़ू, उड़ान भर आसमान को छू। मन चाहे तितली की तरह उड़ू, उड़ान भर आसमान को छू, भेदभाव सब भूल मित्रता सबसे करूं, भेदभाव भूल मित्रता सबसे करूं। कहते हैं घर भगवान का है आसमान में, कहते हैं घर भगवान का है आसमान में, भेद है नहीं जिस जहान में, उसे स्वयं जाकर देखूं। जीवन अपना मधुर बनाऊं, ना रोके मुझे कोई, ना टोके मुझे कोई, स्वच्छंद विचरण करूं, निर्भय उड़ती चलूं, चाहूं जहां वही जाऊं, खुशियां मैं नित नहीं पाऊं, फूलों से मधु ले घर अपना मैं बनाऊं, नित नेक राह पर चल, नित नेक राह पर चल, जीवन मैं सफल करूं, बाधाएं यदि आए मेघ बन उन पर बरस पड़ूं, बाधाएं यदि आए मेघ बन उन पर बरस पड़ूं। धन्यवाद। मेरी अगली प्रस्तुति है, हम लोग सब धरती के ऊपर अपना निवास करते हैं और धरती हमारी माँ है, तो उस पे मुझे बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे थे मन में, तो उससे संबंधित एक मैंने कविता लिखी जिसका शीर्षक है पृथ्वी। तो पृथ्वी में है धैर्य, पृथ्वी में है धैर्य, पर पृथ्वी लोक के मानव में नहीं। पृथ्वी में है धैर्य क्योंकि हमारी माँ है, पर पृथ्वी लोक के मानव में नहीं। पानी में है निर्मलता, पर मानव मन निर्मल नहीं। पानी में है निर्मलता, पर मानव मन निर्मल नहीं। सूरज भी देखते हैं हम लोग, सूर्य में है तेज, पर मानव में तेज नहीं। चांद में है शीतलता, पर मानव मन शीतल नहीं। पशु पक्षियों में है मैत्री भाव, पशु पक्षियों में है मैत्री भाव, पर मानव में है आज इसका शायद अभाव। पर्वत में है स्थिरता अडिगता, पर मानव में ये सब नहीं। मिट्टी में ना भेदभाव, मिट्टी में ना भेदभाव, पर मानव में है केवल यही। मिट्टी में है ना भेदभाव, पर मानव में है केवल यही। फूल है सदा मुस्काते, फूल हैं सदा मुस्काते, पर मानव मन मुस्काता नहीं। हवा में है कोमलता, हवा में है कोमलता, पर मानव मन में है कठोरता। पानी में है मेल भाव, पानी में है मेल भाव, पर मानव में ये भाव नहीं। भगवान ने बनाया इन्हें, पर इनसे कुछ सीखने का मानव को समय नहीं, पर इनसे कुछ सीखने का मानव को शायद समय नहीं। धन्यवाद। कुछ लोग मन ही मन में कुछ ईर्ष्या करते हैं दूसरों को प्रगति करते हुए देखकर, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सबसे मैं अनुरोध, प्रार्थना या विनती करती हूँ
हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। तो नेक्स्ट मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का विष फैल रहा मानव मन में, ईर्ष्या का विष फैल रहा मानव मन में, जो है केवल पाप। दुख है पाप करने वाले के मन में, ना है कोई संताप। रख इस भावना को हृदय में, करता जो प्रहार। नहीं वे जानता वह ईश का रूप स्वीकार, और है स्वयं भी साकार। सबसे दुष्ट ना वे मानव मन, समझ रहा दुष्ट ना ये मानव मन, है इसका घातक परिणाम, है इसका घातक परिणाम। धन्यवाद। फूल को देखना सभी पसंद करते हैं, और फूल हमें एक शिक्षा देते हैं, एक अपना मैसेज देते हैं। संबंधित मैंने कविता लिखी फूल। आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है अनुराधा जी, आपका आपका अनम्यूट है क्या? यस मैम, अब ठीक नहीं? अब ठीक है मैम, हम तो म्यूट पर है मैम। देखिए अभी क्लियर है। नहीं अब ठीक है, अब ठीक। अब पढ़ो मैडम। तो फूल के ऊपर मैंने कविता लिखी। ऐसे डिस्टरबेंस आ रहा है, उनका माइक बंद। जी, फूल ने ना जाना। जी मैडम, जी जी आप पढ़िए। जी, फूल ने ना जाना अपना आधार कांटों को, फूल ने ना जाना अपना आधार कांटों को, कांटों ने ना भोगा सुख फूल की खुशबू का। फूल ने ना जाना अपना आधार कांटों को, कांटों ने ना भोगा सुख फूल की खुशबू का। इस जीवन में अपने ही देते हैं दुख, इस जीवन में अपने ही देते हैं दुख, जबकि पराये देते हैं सुख। पापी मन न रमा उस प्रभु की प्रभुता में, बिता दिया जीवन दूसरों की निंदा ही निंदा करने में। ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना सीख सूर्य की किरणों से, ऊपर से नीचे आना सीख सूर्य की किरणों से, नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना सीख ले मानव शायद भाप से। नित्य नवीन अपने संजो, नित्य नवीन सपने संजो, बना मन तू स्वार्थी, तुझे ना है चिंता क्योंकि कोई परमार्थ की। अपनों से पाठ ठोकरे, अपनों से पाठ ठोकरे, ना हुआ अभी तू सतर्क। जानबूझकर जीवन अनमोल है, जो तूने किया है इसे व्यर्थ। कुकर्मों के पंख में, कुकर्मों के पंख में धस रहे तेरे पैर, कुकर्मों के पंख में धस रहे तेरे पैर, अब ना बाहर आ रहे छोड़ वे सब वैर। मानव जीवन ना मिलेगा, मानव जीवन ना मिलेगा, कर ले जितने चाहे प्रयास, कर ले तू शुभ कर्म, भूल सब स्वार्थ की प्यास, भूल सब स्वार्थ की प्यास। धन्यवाद। मैम समय हो गया जी? मैम 2 मिनट है। ठीक है, तो मैं एक अंतिम कविता पढ़ देती हूँ। नदी की धारा निरंतर, नदी की धारा सिखा रही कर्म करना, निरंतर नदी की धारा सिखा रही कर्म करना, जीवन पथ पर निरंतर चलना। निरंतर नदी की धारा सिखा रही कर्म करना, जीवन पथ पर निरंतर चलना। पर्वतों की विशालता सिखा रही है रखनी दृढ़ता, पर्वतों की विशालता सिखा रही है रखनी दृढ़ता। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई सिखा रही है गहरी सोच। आसमान की विस्तृतता सिखा रही है ज्ञान की विशद खोज। धरती की शक्ति सिखा रही धीरता, धरती की शक्ति सिखा रही धीरता। वृक्षों की छाया सिखा रही परोपकारिता। फूलों का खिलना सिखा रहा मुस्कान, फूलों का खिलना सिखा रहा मुस्कान। सूर्य का तेज सिखा रहा कर्म कर महान। चांद की चांदनी सिखा रही शांति, चांद की चांदनी सिखा रही शांति। शायद उसे उक्त तथ्यों को समझने में अक्सर होती है भ्रांति, अक्सर होती है भ्रांति। धन्यवाद। मैम मुझे लगता है कि बहुत समय बहुत हो गया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके काबिल। मैं
ठीक है मैम, मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद। मैम थोड़ी डिस्टर्बेंस है आपकी तरफ से। अनुराधा जी शायद आपके यहाँ फैन शुरू है जिस कारण से माइक पे आ रहा है। आप ठीक? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, हमारा यह प्रातःकालीन सत्र हमारे साथ।